दिल्ली में यमुना किस कदर मैली हो चुकी है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा ही लेंगे। जी हाँ, छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए से इस पावन पर्व की शुरुआत आज से हुई है, लेकिन यमुना घाटों पर इस बार श्रद्धालु जो है वो छठ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया। और प्रतिबंध लगाने की वजह आप इन वजह तस्वीरों को देखकर खुद ही समझ जाएंगे। जी हाँ, राजधानी दिल्ली की यमुना पूरी तरीके से मैली है, और इसी वजह से बीजेपी ने इन दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं कि पिछले 7 सालों से यमुना को स्वच्छ क्यों नहीं बनाया जा सका। और साथ ही साथ जिस तरीके से, क्योंकि दिल्ली के पूर्व बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, जो कि अभी वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने कई सवाल जो है दिल्ली सरकार से पूछे हैं और कई सवाल खड़े भी कर दिए हैं कि जिस तरीके से यमुना घाट पर हर साल जो है छठ व्रती लोग पहुँचकर छठ महापर्व करते थे, लेकिन इस बार यमुना इतनी मैली है, और जिस तरीके से, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा तो एक तरफ खराब ही है, साथ ही साथ यमुना भी मैली है, तो आखिरकार दिल्ली सरकार दिल्ली वालों को क्या देना चाहती है? जीवन से जो खिलवाड़ हुआ है, क्या ये वादा था अरविंद केजरीवाल का दिल्ली? ये ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास नदी है, जिसके पास 62 विधायकों की सरकार जो दिया हमारे दिल्ली के लोगों ने, उसको ये रिटर्न दे रहे हो? मैं समझता हूँ ये दृश्य दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को शर्मसार कर देगा, क्योंकि ये न सिर्फ आस्था से खिलवाड़ है बल्कि जीवन से भी खिलवाड़। देखिए, दिल्ली का एपीआई 990 तक पहुंच रहा है। हवा मतलब जहरीली है, पानी जहरीला है, आस्था के चलते लोग यहाँ पे आकर खड़ा होने को मजबूर है। और स्थिति जो है, ये वो नदी है यमुना जी, मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, जहाँ अमोनिया को देख लीजिए, जहाँ ये फोम के गद्दे देख लीजिए, ये इस जो सौंपा है हमारे दिल्ली की सरकार ने, ये दिल्ली के साथ न्याय है? मैं आपसे यही देखने के लिए आ गया, और मैं दिल्ली के लोगों को ही बोलना चाहता हूँ। मैं क्या, मेरे पास तो शब्द नहीं निकला। मैं समझता हूँ, मैंने मेरे मन से निकल रहा है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। आप तमाम लोग जगह जगह पे ये आदमी न आए प्रतिबंधित कर दो, ये न आए प्रतिबंधित कर दो, ये तो कर देते हो, लेकिन एक पूरी दिल्ली सरकार झूठा वादा कर रही है, अरविंद केजरीवाल झूठा वादा कर रहे हैं पिछले 7 साल से, उसका सुओ मोटो लेने का समय है। एक सवाल ये